सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से eLots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है, अभी हमारे स्कूल बंद हैं और हम लोग अपनी पढ़ाई मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के माध्यम से कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम लोगों के लिए रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे क्लास 3 से 5 की पढ़ाई होती है, जहां हम मजेदार ढंग से अपनी पढ़ाई करते हैं और नई नई बातें सीखते हैं। साथ ही जरूरी बातों को अपनी कॉपी में नोट भी करते हैं और यह सब होता है अपने मम्मी पापा और घर के अन्य बड़ों के साथ बैठकर। तो तैयार है ना आज भी अपनी कॉपी और कलम के साथ? अब चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। आज है संडे यानी मस्ती का दिन, तो आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे मस्ती और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम अंग्रेजी ओके प्लीज। उसके बाद मीना की कहानी में हम लोग देखेंगे धौंसिये से क्या डरना और अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की संडे स्पेशल क्लास ढेर सारी मस्ती के साथ। हॉर्न प्लीज, ओके प्लीज, स्पीक थोड़ा इंग्लिश प्लीज, बोलो थोड़ा इंग्लिश प्लीज, गलत लगे तो सिंपली से आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी प्लीज। अंग्रेजी ओके प्लीज, अंग्रेजी ओके प्लीज, अंग्रेजी ओके प्लीज, अंग्रेजी ओके प्लीज। नमस्कार, अंग्रेजी सीखोगे? ना बाबा ना, नॉट पॉसिबल, नेवर, नामुमकिन। जरा गौर फरमाइए, यहाँ सब शुरू तो ना से ही हो रहा है पर खत्म हो रहा है मुमकिन पर। असंभव में इतने बड़े संभव के आगे बेचारा छोटा सा ए क्या मायने रखता है? फर्क है तो सिर्फ देखने का। तो अब अंग्रेजी को सिर्फ स्कूल के एक विषय और एक पराई भाषा की तरह देखना बंद कीजिए और इसके मस्ती भरे रंग में अपना रंग रंगना शुरू कीजिए। यहाँ ना कोई पास ना कोई फेल, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एक ऐसे शो में जहाँ अंग्रेजी सीखना बना बच्चों का खेल, यानी कि अंग्रेजी ओके प्लीज। नमस्कार, कैसे हैं आप? कौन खेल रहा है आपकी तरफ से? क्या नाम है आपका? सीता लक्ष्मी धनराज पिल्लई। सीता लक्ष्मी धनराज पिल्लई, इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग नेम बट नाइस नेम। हु इज विद यू? मम्मी, फ्रेंड, अंकल। मम्मी, फ्रेंड एंड अंकल, व्हाट्स योर फ्रेंड्स नेम? संकेत। संकेत, और आपका नाम क्या है मैडम? सुवर्णा। सुवर्णा, और आपका अंकल का? किशोर। किशोर, ये आपके क्लास फेलो हैं? No, I am in साधना विद्यालय। Which class are you in? I am in 5th standard. And you are in? 5th standard. She is also in 5th standard. Yes. Very good. Do you speak English at home? Yes. Yes? Yes. आपके घर में भी अंग्रेजी बोलते हैं? No. नहीं, बहुत अच्छे। तो welcome है rockstar family, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हमारे शो पर। Please welcome the superstar family. One piece. Okay, please. नमस्कार, नमस्कार, कौन खेल रहे हैं? लीडर कौन है? आप, क्या नाम है आपका? My name is जय प्रकाश यादव। जय प्रकाश यादव, वाह वाह वाह, कहाँ के रहने वाले हो बेटा? आजमगढ़। आपके साथ कौन कौन आए हैं? My mother, my father, my sister। Very good, क्या नाम है आपका? शिवचंद यादव। शिवचंद यादव जी, आप क्या करते हैं? मथाड़ी कामगार। मथाड़ी कामगार, वो क्या होते हैं, क्या क्या काम होता है? लोडिंग का। लोडिंग का काम। और आपका नाम क्या है? माय नेम इज श्वेता यादव। श्वेता यादव, श्वेता यादव बेटा, विच क्लास आर यू इन? आई एम इन 6th स्टैंडर्ड। 6th स्टैंडर्ड,
अच्छा, वेरी गुड. एंड यू आर इन विच स्टैंडर्ड? आई एम फिफ्थ स्टैंडर्ड. यू आर फिफ्थ स्टैंडर्ड एंड सिक्स्थ स्टैंडर्ड. वेरी गुड. वेलकम टू दिस गेम शो. प्लीज वेलकम द नेक्स्ट फैमिली एंड द फाइनल फैमिली ऑफ दिस एपिसोड, द मेगा स्टार फैमिली. नमस्कार नमस्कार नमस्कार. कैसे हैं? कौन खेल रहा है? मैं. आप खेल रही हैं. आपका नाम क्या बेटा? राधिका. राधिका, व्हाट इज योर फुल नेम? हिरोती राधिका. आपके साथ कौन कौन आए हैं? मम्मी पापा बहन. मम्मी पापा और बहन. बहन का नाम क्या बेटा? मनीषा. मनीषा, और पापा का नाम? उमापति. उमापति. और आपकी मम्मी का नाम? पुण्यावती. पुण्यावती और उमापति. वाह वाह वाह. वेलकम वेलकम टू दिस शो. वेलकम. ऑल द बेस्ट. इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने आई है हमारी तीन स्टार टीम्स. ये दिखाएंगे कि अंग्रेजी सीखना है बच्चों का खेल. तो शुरुआत करते हैं अपने पहले पहले राउंड से. बोले तो अब यहां मैं कुछ करूंगा और आपको बताना है कि मैं क्या कर रहा हूं. बोले तो अंग्रेजी में बताना है. सही जवाब को मिलेगा 10 में से 10 और आपके पास हैं सिर्फ 20 सेकंड वरना गाड़ी छू मंतर. तो टीम रॉकस्टार तैयार? Yes. आपको चुनना है कौन जवाब देगा. हीद. अब मैं आपको कुछ करके बताऊंगा बेटा, एक्टिंग करके बताऊंगा. यू हैव टू से इट इन इंग्लिश, व्हाट एम आई डूइंग. ओके बेटा, ध्यान दो. You are jumping. I am jumping. Absolutely right. I am jumping. Superstar team. बेटा आप किसको चुनते हैं मेरे सवाल का जवाब देने के लिए? My sister. Your sisters. तैयार हो? अब मैं कुछ एक्टिंग करूंगा, आपको अंग्रेजी में बताना मैं क्या कर रहा हूँ. ओके, अब आप बताइए मैं क्या कर रहा हूँ. Listening. Listening is absolutely right. Brilliant. Brilliant. और अब बारी है मेगा स्टार टीम की. कौन जवाब देने वाला है? सिस्टर. आपकी छोटी बहन. ओके बेटा, ध्यान दो. यू आर इज स्माइलिंग. लाफिंग. यू आर इज लाफिंग. आई एम लाफिंग. एब्सोल्युटली राइट. एब्सोल्युटली राइट. माई स्माइल इज ऑल्सो लाइक माई लाफ्टर. यू आर राइट. देखिए, जब हम मुमकिन और नामुमकिन की बातें कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि कई ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ अंग्रेजी में ही मुमकिन है. जैसे जी से गर्ल भी होता है और जी से जिराफ भी होता है. कार सी से शुरू होती है और के से नहीं. और ब्रेक का मतलब गाड़ी की ब्रेक है और ब्रेक का मतलब तोड़ना भी है. स्पेलिंग अलग अलग है. बस ये सब अंग्रेजी में ही मुमकिन है. इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ये मजेदार भाषा है और हमारा खेल भी बहुत मजेदार है. मैं आपको एक अक्षर दूंगा और आपको मुझे उस अक्षर से शुरू होने वाला एक अंग्रेजी शब्द बताना है. समझ में आ गया? सही जवाब देने के लिए आपको 10 में से 10 मिलेंगे और आपके पास वक्त है सिर्फ 20 सेकंड का, नहीं तो गाड़ी छू मंतर. टीम रॉकस्टार, आपका अक्षर है फ. एफ. फिश. फिश. Fish is absolutely right. Well done, well done. क्या बात है? अच्छी लगती है fish? खाते हो? Yes, yes. अच्छा, fish के साथ मिलता जुलता और कौन सा वर्ड हो सकता है? Krish. Krish. पिक्चर का नाम नहीं बेटा, पिक्चर का नाम नहीं. Very good, well done. Superstar, आपकी बारी है बेटा. आपका अक्षर है एच. हॉर्स. हॉर्स इज एन एब्सोल्यूटली वेरी गुड. और अब बारी है मेगा स्टार टीम की. आपका लेटर है, आपका अक्षर है एल. ल. एल. एल. लायन इज द वेरी गुड आंसर. पहले राउंड में तीनों टीम्स ने बराबर के मार्क्स हासिल किए हैं. मेगा स्टार इज ऑन 20, सुपर स्टार इज ऑन 20 एंड रॉक स्टार इज ऑल्सो ऑन 20. जब कोई आपसे तेज तरार अंग्रेजी में बात करता है तो आपको कभी लगा है कि आपके लिए एक ऐसा बोलना नामुमकिन होगा?
तो अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब अंग्रेजी सीखना मुमकिन ही नहीं बल्कि बहुत आसान है क्योंकि आ गया है अंग्रेजी ओके प्लीज। मेरी अंग्रेजी की टीचर डरावनी डिसूजा मिस ने मुझे एक बात बहुत ही अच्छी तरह से समझाई थी। हमेशा की तरह क्लास में आई और सीधी मेरी सीट पर आकर बोली, तुमको मालूम ना मुमकिन को इंग्लिश में क्या बोलता है? मैंने डरते हुए बोला इम्पॉसिबल। तो बोली, लाइफ में पहली बार सही आंसर दिया तुम, अब इम्पॉसिबल को थोड़ा जोड़ेगा तोड़ेगा तो क्या बनेगा मालूम? आई एम पॉसिबल। बोले तो क्या? मैंने कहा मैं मुमकिन हूं। वाह वाह, मेरे लिए तालियां। अगर डिसूजा मिस की भाषा में बोलेगा तो ऐसा इम्पॉसिबल, अगर खुद ही बोलता तो आई एम पॉसिबल। तो तुम लोग क्यों टेंशन लेता है? इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं, जैसे हमारे जोड़ तोड़ राउंड में है। अब हम एक शब्द लेते हैं MUL, मल, मतलब जिसका कोई मतलब नहीं है। MUL मल का कोई मतलब नहीं है, मगर अगर हम मल के आगे लगा देते हैं ई, MULE, तो बन जाता है म्यूल। म्यूल का मतलब है खच्चर। हमारे इस राउंड में आपको यही करना है, 10 पॉइंट मिलेंगे नया शब्द बनाने के लिए और 10 पॉइंट उस शब्द का मतलब बताने के लिए, यानी 20 में से 20 चाहिए, तो शब्द और मतलब दोनों बताना होगा। याद रहे 30 सेकंड में, वरना गाड़ी छू मंतर। तो रॉकस्टार, अब इसका जवाब बेटा आप दोगे। अगर TUB टब के आगे मैं ई लगा दूं तो क्या बनेगा और उसका क्या मतलब है? ये क्या है? ट्यूब। ट्यूब, और ट्यूब का मतलब क्या है? Can I discuss? Yes. क्रीम। जिस चीज में क्रीम डालते हैं उसको ट्यूब बोलते हैं। ओके, आई विल गिव यू दोज मार्क्स। वेल डन, वेरी गुड, वेल डन। तो सुपरस्टार टीम, अब POL पॉल का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन अगर मैं ओ और एल के बीच में एक ओ और लगा दूं तो पूल मतलब तालाब। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं FOD फॉर्ड में ओ और डी के बीच में एक और ओ लगा दूं तो वो क्या बनेगा? फूड। फूड, फूड का मतलब खाना। खाना इज एब्सोल्युटली राइट, वेल डन। क्या बात है बेटा, टीम मेगा स्टार। SED, वैसे तो सेड SED का कोई मतलब नहीं होता है, पर अगर मैं ई और डी के बीच में एक ई और लगा दूं तो परिणाम होगा सीड, यानी बीज। तो टीम मेगा स्टार, अगर मैं KEP केप, जिसका कोई मतलब नहीं, ई और पी के बीच में एक ई और लगा दूं तो क्या बनेगा? कीप। कीप, वेरी गुड, बहुत सही जवाब दिया। और कीप का मतलब क्या होता है आप डिस्कस कर सकते हो? ट्राई करो बेटा, ट्राई करो, शाबाश। आई एम सॉरी बेटा, आपका टाइम खत्म हो गया। कीप का मतलब होता है रखो, रखना, कीप इट। कोई बात नहीं, 10 पॉइंट आपको फिर भी मिले। तो अब ध्यान से सुनिए और दिए हुए शब्द की स्पेलिंग पूरी कीजिए और ले जाइए 20 पॉइंट पर। 20 पॉइंट तभी मिलेंगे जब आप स्पेलिंग पूरी करेंगे। अगर एक अक्षर जोड़ा तो कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, अगर दो जोड़े तो 5 पॉइंट मिलेंगे, और अगर दो से ज्यादा सही जोड़े स्पेलिंग पूरी हुई तो आपको मिलेंगे 20 पॉइंट। कितने? 20 पॉइंट। और आपके पास वक्त है 45 सेकंड का, वरना गाड़ी छू मंतर। तो तैयार, आप सब लोग तैयार खेलने के लिए अंग्रेजी? ओके प्लीज। वेरी गुड, वेरी गुड। तो रॉकस्टार टीम तैयार हो जाइए। आपका शब्द है प्लंबर। अब बताइए आपको किन अक्षरों की आवाज सुनाई दी इस शब्द में? प्लंबर। चलिए भरिए, ये भरेगी बेटा। प्ला, प्ला, म, आ, ब, आ, र,
वेरी गुड, तो भर दीजिए स्पेलिंग्स, कैसे भरोगे? पी एल एल यू एल यू है एम एल बी एक मिनट यू एम बी बी ई आर 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 प्लम्बर बहुत अच्छे रॉकस्टार टीम। चलिए सुपरस्टार टीम यादव फैमिली तैयार है? यस। चलो टीम सुपरस्टार, आपका शब्द है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या शब्द है? प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो कैसे भरोगे बेटा? पी पी वेरी गुड आर वेरी गुड ओ फिर यम नहीं प्रॉब्लम शाबाश हाँ बी एल एल यम यम वेरी गुड, क्या बात है, प्रॉब्लम तो आपने सॉल्व कर दी। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपके पास, तो ऐसी बात नहीं है, अच्छे जा रहे हो। चलिए मेगा स्टार शाबाश, तैयार है सर? हाँ। वेरी गुड, आपका शब्द है स्टूडेंट। स्टूडेंट बोल के बताइए। एस 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 टी टी शाबाश डी डी वेरी गुड एन एन टी वेरी गुड स्टूडेंट फैंटास्टिक। मेगा स्टार और सुपरस्टार और रॉक स्टार तीनों ही बहुत जबरदस्त खेले इस राउंड को, तो मैं स्कोर बता दूं आपके, रॉक स्टार और सुपरस्टार्स के हैं 60-60 पॉइंट ईच और मेगा स्टार है 50 पॉइंट। अभी तक तो हम अंग्रेजी में ही जोड़ तोड़ कर रहे थे, पर आपने कई बार ये सुना होगा हर खिलाड़ी अच्छा खेला पर कुछ कमी थी, इसलिए वी लॉस्ट द मैच, या फिर ये घर पर बैठे हैं कुछ करने को नहीं, लेट्स वॉच टीवी। जब हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही अच्छी तरह से आती हो तो दोनों को मिलाकर बोलना लोग बहुत पसंद करते हैं, जिसको हमारी भाषा में अब नया एक वर्ड मिला है इंग्लिश। इंग्लिश और हिंदी मिलाकर जब बोले तो उसको इंग्लिश कहा गया है। बस इस राउंड में पहले खेल में आपको इतना करना है, हिंदी और अंग्रेजी के इस मिश्रण में से अंग्रेजी का वाक्य चुनकर मुझे उसका मतलब हिंदी में बताना है। सही जवाब के लिए 20 में से 20, और याद रहे 30 सेकंड में गाड़ी छू मंतर। तो तैयार? यस। वेरी गुड टीम रॉकस्टार, आपका सवाल है, तेज हवा चल रही थी घर में धूल आ गई, आई क्लोज द विंडो। घर में धूल आ गई, आई क्लोज द विंडो, बताइए बेटा क्या मतलब है? बहुत हवा चल रही थी। वो नहीं, अंग्रेजी, आप हिंदी का मत बताइए, आप अंग्रेजी का जवाब बताइए। आई क्लोज द विंडो, मैंने खिड़की बंद की। अरे वाह फैंटास्टिक, मैंने खिड़की बंद की। तो चलिए सुपरस्टार टीम, ये रहा आपका वाक्य, मेरी घड़ी बंद है, मैंने नीतू से पूछा व्हाट इज द टाइम। क्या घड़ी में कितना टाइम हो रहा है? अरे वाह मेरे लाल मेरे यादव, बहुत अच्छा, सही जा रहे हैं, ताली जोर से मारो पिताजी। और अब मेगा स्टार टीम ध्यान से सुनिए, मुझे बहुत भूख लगी थी, मम्मी ने खाना परोसा और पूछा डू यू वॉन्ट मोर। आप खाना खाएगा? डू यू वॉन्ट मोर, आपको कौन सा खाना चाहिए? नहीं, डू यू वॉन्ट मोर, खाना खाओ। नो बेटा आपका जवाब गलत है, डू यू वॉन्ट मोर का मतलब है आपको और चाहिए, मोर मतलब और, नहीं? हाँ। कोई बात नहीं, मैं जा रहा था मैं राजा, ऐसे कोई बात नहीं करता है। तो अब जो शब्द यहां लगना चाहिए वही लगे तो सही वाक्य बनता है। हमारा अगला खेल भी यही है, मैं आपको अंग्रेजी का एक वाक्य दूंगा जिसमें सारे शब्द ऊपर नीचे होंगे, आपको उन्हें सही जगह पर लाकर वाक्य को ठीक बनाना है। 20 में से 20 स्कोर पाना है, और हाँ 30 सेकंड में गाड़ी को घुमाना है, छूमंतर नहीं तो गाड़ी। तो टीम रॉकस्टार तैयार हैं आप? यस। अब बताइए कैसे इसको ठीक करेंगे। मार्केट ही टू द वेंट, मार्केट ही टू द वेंट, इन शब्दों को सही जगह पर डालो जिसमें से
आपको बोलना पड़ेगा बेटा, मार्केट मार्केट ही टू द वेंट। लक्ष्मी बोलो बेटा जल्दी। He went to the market. He went to the market is absolutely right answer. यादव जी थोड़ा सा आपको अभी जमाना पड़ेगा मामला, इनके साथ चल रहा है आपकी दौड़, तो लगाइए थोड़ी सी लगाम और दौड़ पड़िए सुपरस्टार्स। आपका वाक्य है has books Nisha free. और मेगा स्टार, अब आपको अपना वाक्य ठीक करना है। ये है आपका वाक्य गेव टीचर होमवर्क अस, गेव टीचर होमवर्क अस। आप हेल्प कर सकते हैं पिताजी, गेव टीचर होमवर्क अस। अस गेव होमवर्क टीचर। ट्राई अगेन, दैट्स नॉट अ राइट आंसर, आई विल गिव यू वन मोर चांस। किसने काम दिया? गेव अस, नहीं, हु गेव द वर्क, किसने काम दिया होमवर्क, किसने दिया? टीचर। तो टीचर को पहले लाइए, टीचर। Teacher asked gave homework. No, my darlings, that's not the right teacher answer. Teacher gave us homework. Teacher gave us homework is the right answer. I am sorry, my beta. That was a little delayed answer. तो ये है हमारे तीनों राउंड्स। अब देखना है कि आज कौन सी टीम बाकी की दोनों टीमों से आगे निकल गई। मेगा स्टार तीसरी पोजीशन पर हैं विद 50 पॉइंट्स, सुपर स्टार और रॉक स्टार के बीच में है टाई, दोनों को मिले हैं 100 पॉइंट्स। और मैं चाहूंगा कि आज हम दोनों ही टीमों को बिना टाई ब्रेकर किए अवार्ड दे दें। तो आप दोनों ही आज के इस हमारी प्रतियोगिता के हमारे शो अंग्रेजी ओके प्लेस के विजेता हैं। वेल डन, कंग्रेचुलेशन। Thank you.
है ना ये गजब की? चलो इसे मुनमुन को पहनाए। आओ मुनमुन, ये खाओ, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। अब जाओ हाँ, खेलो, हमें स्कूल जाना है। मुनमुन, इन बेवकूफ कौओं से क्यों डरती हो? मिट्ठू, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मत चिढ़ाओ मुनमुन को। तुम और मुनमुन इन कौओं को मिलकर दूर भगाओ। मिलकर दूर भगाओ। आओ राजू, स्कूल चले। अच्छा मुनमुन, तुम भी हमारे साथ चलो। देखो दीपू, लड़कियां आ रही हैं। जल्दी करो, सब छिप जाओ, फिर इन्हें चिढ़ाएंगे। हाँ हाँ, आओ छिप जाए। रीता ओ रीता, ओ प्यारी रीता, रीता ओ रीता, कैसी हो रीता? जाने दो, रास्ता छोड़ो। क्या बात है, तो हमसे बात क्यों नहीं करती? हटो, जाने दो हमें। जाने दो हमें। आओ ले लो, वापस दो। ले ले रीता, ले ले ले। दीपू इधर दे। ले ये ले, ये ले, ले 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 ये ले। लो लो पकड़ो, इधर आ लो। वही दुष्ट है। पकड़ो राजू। मत पकड़ना। राजू मुझे दे दो। ए राजू खबरदार। दुष्ट। हाँ, पर क्या करूं, मुझे उससे डर लगता है। दीपू लाओ मुझे दो। लो पकड़ो छोटू। छोड़ दे मूर्ख तोते। मिट्ठू, मिट्ठू इधर लाओ। बस्ता मुझे दे पागल लड़की। तू होगा पागल, जाने दे हमें। चलो चलो, स्कूल की घंटी बज गई। तुम्हें तो देख लूंगा मैं, और तुम्हारे इस तोते को भी। संभालो अपना बस्ता, न जाने ये मुझे क्यों चिढ़ाते हैं। Thank you.
न जाने वो दीपू का बच्चा ऐसे क्यों करता है। ये लड़के मुझे हमेशा चिढ़ाते रहते हैं। मैं अब कभी स्कूल नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं, स्कूल मत छोड़ना। उनके चिढ़ाने से तो अच्छा है मैं घर पर ही रहूं। ऐसा ना करना बेटी, स्कूल कभी मत छोड़ना। काश मैं भी स्कूल गई होती। और मैं घर भी जा सकती हूँ। घर बैठने से काम नहीं चलेगा, तुम लोगों को कुछ करना होगा। सब मिलकर चलते हैं, फिर देखते हैं कैसे चढ़ाते हैं। हाँ ये ठीक है, ऐसा ही करो। मुन्मुन बड़ा अच्छा किया तुमने। मिट्टू तुमने भी। ठीक है मीना, हम भी इस दुष्ट का ऐसे ही सामना करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, उसने औरों को भी बिगाड़ रखा है। मुझे क्या पता मैं क्या करता। अच्छा ठीक है, अब हमारी मदद करो। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो बाकियों को भी बुलाएं। हाँ ये ठीक है, फिर देखेंगे क्या करना है। अब मजा आएगा। अब मजा आएगा। से नहीं डरने वाली। अब बस हुआ, और मत सताओ, चलो उठो। क्यों दीपू मजा आया ना? क्या मजा आया, हमारे नए दोस्त से मिले? उफ, मैं तो डर गया था पर मजेदार था। चलो दीपू स्कूल चले। हाँ चलो सब मिलकर चले। सोचो फिर सोचो घर की लड़कियों के सोचो, खुशियाँ दे क्या दे गम, वे
सपने सजाती हैं, पूरे करें उनको, मन चाहा अवसर दो, सोचो फिर सोचो। डर से नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है, रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है, धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है, सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है, डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे दो गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल, रोगी नहीं रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है, रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है, धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है, सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है, डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और दो गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो, तो चलिए शुरू करते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आज हम किसी जानवर के एनक्लोजर के पास नहीं चलेंगे, हम चलेंगे जानवर के बच्चे के पास। संजय गांधी जैविक उद्यान के सफल प्रबंधन और देखभाल का ही नतीजा है कि आज यहां मौजूद लगभग सभी जल थल और आकाश में रहने वाले जानवरों का प्रजनन हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे गेंडा के बच्चे की। संजय गांधी जैविक उद्यान में अभी कुछ दिन पहले ही एक गेंडे का जन्म हुआ है। भारतीय मादा गेंडा साल के किसी भी महीने में गर्भधारण कर सकती है। 16 से 18 महीने गर्भधारण के बाद मादा गेंडा सामान्यतः एक बार में एक बच्चे को जन्म देती है। जन्म के समय नवजात शावक का वजन लगभग 40 से 50 किलोग्राम तक का होता है। जन्म के कुछ घंटों के बाद नवजात शावक न सिर्फ जमीन पर चलने फिरने लगते हैं, बल्कि पानी में तैरने भी लगते हैं। नर भारतीय गेंडा लगभग 10 साल की उम्र में प्रजनन योग्य हो जाते हैं, वहीं मादा गेंडा 9 से 10 साल की उम्र में प्रजनन योग्य होती है। बच्चे को संभालने का काम मादा गेंडा करती है, जबकि नर गेंडा अपने आधिपत्य क्षेत्र की रक्षा करता है। भारतीय गेंडा लगभग 10 साल की उम्र में प्रजनन योग्य हो जाते हैं, वहीं मादा गेंडा 9 से 10 साल की उम्र में प्रजनन योग्य होती हैं। गेंडे के बच्चे के बाद अब हम चलेंगे जिराफ के बच्चे के पास।
संजय गांधी जैविक उद्यान में अभी जिराफ का एक बच्चा है। इसका जन्म भी संजय गांधी जैविक उद्यान में ही हुआ है। 13 से 15 महीनों के गर्भ धारण के बाद मादा जिराफ एक बार में एक बच्चे को जन्म देती है। दुनिया का सबसे लंबा जानवर जिराफ जन्म के समय 1.8 मीटर लंबा होता है और जन्म के समय इनका वजन लगभग 90 से 110 किलोग्राम तक होता है। इसके जन्म के समय इनकी मां यानी मादा जिराफ सामान्यतः खड़ी रहती है और जन्म के कुछ ही घंटों के अंदर जिराफ के बच्चे चलने फिरने लगते हैं। ये नवजात शावक 3 से 4 साल के बाद प्रजनन योग्य हो जाते हैं और मादा जिराफ साल के किसी भी महीने में गर्भ धारण कर सकती है। जिराफ के बच्चे के बाद अब हम बात करेंगे भालू के बच्चे की। संजय गांधी जैविक उद्यान में अभी भालू के बच्चों की संख्या 2 है। दोनों बेहद चंचल, चालाक और स्वस्थ हैं। मादा भालू 7 महीने के गर्भकाल के बाद मुख्यतः नवंबर से जनवरी तक एक बार में 3 से 4 बच्चों को जन्म देती है, जो देखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं। जन्म के समय बच्चे का वजन लगभग 700 ग्राम से 1 किलोग्राम तक होता है। साथ ही जन्म के 1.5 से 2 महीने के बाद नवजात शावक चलने फिरने लगते हैं। भालू के बच्चे जन्म के 3 से 4 साल के बाद प्रजनन योग्य हो जाते हैं। किसी भी जू के सक्सेस का उसका जो मैनेजमेंट का पैरामीटर है वो उसके ब्रीडिंग से देखा जाता है, और इसमें पटना जू काफ़ी लकी है कि यहाँ जितने भी स्पीसीज हैं उन सबों में लगभग ब्रीडिंग काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग हो रही है। और जो ब्रीडिंग का मेन पर्पस है या हम लोग उसको साइंटिफिकली मैनेज करते हैं कि इन ब्रीडिंग ना हो पाए, उसका जितने भी साइंटिफिक पैरामीटर्स हैं उसको हम लोग ध्यान देते हैं और ये कोशिश करते हैं कि जो भी नए बच्चे हो रहे हैं वो हेल्दी रहें, उनके अच्छे से केयर हो सके। हम लोग कन्फर्म हो जाते हैं कि सक्सेसफुल मेटिंग हुआ है एनिमल का, तो उसके बाद उनका रिकॉर्ड कीपिंग और एक लंबा एक्सरसाइज होता है जो उन पे ध्यान देने के लिए किया जाता है, जिसमें जो डॉक्टर की टीम होती है उनके प्रेगनेंसी पीरियड में पूरे उनका मेडिकेशन से लेकर हर एक चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है, वो ध्यान रखते हैं। और जब उनका डिलीवरी का टाइम नज़दीक आता है तो उनके इनक्लोजर्स में सीसीटीवी कैमरा या इसकी व्यवस्था भी की जाती है। संजय गांधी जैविक उद्यान में आने वाले दर्शक इन जानवरों को अपने माँ के साथ देखकर बेहद खुश होते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में हम एक बार फिर संजय गांधी जैविक उद्यान में मौजूद जानवरों के बच्चों के पास चलेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मलाड पक्षी यानी नील सिर बत्तख के बच्चों के बारे में। भारत में ये एक प्रवासी पक्षी है जो सर्दियों के मौसम में काफी दूरी से प्रवास के लिए भारत के अलग अलग हिस्सों में आते हैं। इन पक्षियों के प्रजनन का समय मई से जून तक होता है। मादा मलाट एक बार में लगभग 8 से 12 अंडे देती है।
इनके अंडों की लंबाई 2 इंच से 2.5 इंच तक होता है, जबकि इनके अंडों की चौड़ाई 1.3 इंच से 1.8 इंच तक होता है। अंडों को सेकने का काम मादा मलाड करती है। 25 से 30 दिनों तक सेकने के बाद अंडों में से चूजे बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के कुछ घंटों के अंदर ही मलाड के बच्चे पानी में तैरने लगते हैं। इनके बच्चों को डकलिंग्स भी कहा जाता है। 50 से 60 दिनों के बाद इनके चूजे उड़ने में सक्षम हो जाते हैं। मलाड बत्तख के बच्चे अपने जन्म के 6 से 7 महीनों के अंदर प्रजनन योग्य हो जाते हैं। डकलिंग्स देखने में बेहद सुंदर लगते हैं और इनके जन्म के पहले और जन्म के बाद संजय गांधी जैविक उद्यान में इनके देखभाल पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मलाड बत्तख के बाद हम बात करेंगे एमू पक्षी के बच्चों के बारे में। संजय गांधी जैविक उद्यान में अभी 2 एमू के बच्चे हैं, जो बेहद तेज और फुर्तीले हैं। इनका प्रजनन यही संजय गांधी जैविक उद्यान में ही हुआ है। इनका प्रजनन काल जनवरी से मार्च तक होता है। ये सामान्य तौर पर अपने जन्म के 1.5 साल से 3 साल के अंदर प्रजनन योग्य हो जाते हैं। एक बार में एक मादा एमू 9 से 20 अंडे देती है। नर और मादा एमू में अंडा सेने का काम नर एमू करता है और चूजे 56 दिनों में अंडे से बाहर आते हैं। अंडों से चूजों के बाहर आने के बाद 18 महीने तक ये अपने पिता यानी नर एमू के साथ रहते हैं। इस दौरान नर एमू अपने बच्चे को भोजन खोजने के तरीके बताते हैं। एक स्वस्थ एमू का जीवन काल 10 साल का होता है। इनके अंडे का वजन 700 से 900 ग्राम तक होता है और रंग गहरा हरा होता है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी एमू जन्म के समय लगभग 6 इंच लंबे होते हैं। जब हम बर्ड्स की बात करते हैं तो इनक्लोजर में ऐसा कभी कभी होता है कि अगर कोई पेस्ट है बाहर से, जैसे मंगूज हो गया या रैट्स हैं, वो अगर इनक्लोजर में प्रवेश कर जा रहे हैं तो वो एग्स को डैमेज कर देते हैं, तो या दूसरे बर्ड्स हैं जो अगर जहाँ मिक्सिंग है स्पीसीज की तो वो भी अंडे को फोड़ देते हैं। तो उसके लिए कभी कभी हम लोग उसको इनक्यूबेशन के लिए इनक्यूबेटर में भी रखते हैं, आर्टिफिशियली उनको सेते हैं, या दूसरे तरह के जो हेन को भी इसमें यूज में लाया जाता है जो इसके दूसरे के बर्ड्स के अंडे को सेती हैं। तो इसके थ्रू भी हम लोग अलग अलग इससे काफ़ी सफलतापूर्वक एग हैचिंग कर रहे हैं और लास्ट ईयर मलाड, गोल्डन फिजेंट, सिल्वर फिजेंट इत्यादि में काफ़ी बढ़िया इनक्यूबेशन के बाद काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। और हम लोग इस बार फर्स्ट टाइम घड़ियाल में भी एक ट्राई कर रहे हैं कि इनक्यूबेट उनको नेस्ट से निकाल कर किया जाए, और अभी होपफुली हम लोग लगता है कि उसमें भी सफल होंगे। अब हम चलेंगे हाइना यानी लकड़बग्घे के बच्चों के पास। संजय गांधी जैविक उद्यान में अभी 3 लकड़बग्घे के बच्चे हैं, जो बेहद चंचल और चालाक हैं। इन्हें आपस में खेलते हुए देखना काफी अच्छा लगता है। लकड़बग्घा अपने जन्म के 2 से 3 साल बाद बच्चे पैदा करने योग्य हो जाते हैं। मादा लकड़बग्घा लगभग 90 से 92 दिनों के गर्भावस्था के बाद एक बार में 2 से 4 शावक पैदा करती है। जन्म के समय शावक का वजन 300 से 400 ग्राम तक होता है। अपने जन्म के 1 से 1.5 महीने बाद ये जमीन पर चलने में सक्षम हो जाते हैं। इनका जीवन काल 25 से 30 सालों का होता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में आने वाले दर्शक इन जानवर के बच्चों को यहाँ देखकर बेहद खुश होते हैं। खासकर आने वाले बच्चों के बीच ये काफी लोकप्रिय हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एनक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।